राम बेटा, राम राम। थाने बट सावित्री की कथा सुना सी हूँ, ध्यान सुन लियो। तो पहली थाने पूजा वो बताऊँ भी आ पूजा करनी पड़ेगी थाने। तो रोली मोली हल्दी चावल गुड़े चिणा दूध पानी लेगे चल। तो भी पूजा करे तो पानी गालिए, अच्छो मंजड़ो बंडो है ना दोगे भी, मैं दूध गालिए ले जाओ, चावल ले जाओ, हल्दी ले जाओ, कुमकुम ले जाओ, सारो के सामान ले जाओ। ले जागे बैठे अरबा में पानी गालो, पत्ता गए कुमकुम का हल्दी का सारा टीका काटो, सारा देवी देवता का नाम लियो। तो सारा की बंगी पूजा हो जाए, सारा का टीका काट गए बंगे, फिर भी पेट में पानी गालो, गुड़चिणा चढ़ाओ, जब तपत्ता गए टीका काटो बंग माँ चावल चढ़ाओ, ज्यों आप तिलक करा चावल चढ़ावा ज्यों चढ़ाओ। तो अच्छी तरिया बह बंग दे देवता का तिलक लाग जे, तो वह चढ़ा गए पानी गाल गए, परकमा दे गए, गुड़चिणा चढ़ा गए, एर धोक मार गए, एर बैठे कथा सुनो। कथा सुन गए आपकी फिर घरे आओ। जो व्रत रह तो रखो, ना व्रत रह तो इट्टी तो पूजा बांगी करियो तो बहुत ही अच्छी वह। कोई तिरिया करे तो पति की उम्र लंबी बने, एर अमर सुहाग रह, एर जे कोई निपुत्र वह तो बने भई सतान दे। तो आ चीज़ थाने समझाऊँ मैं भी, वो तो पहला करनी वह पूजा को, एर अब थाने बट सावित्री की कथा सुनाऊँ। तो एक राजा हो बिंगे कोई संतान को नहीं हो, संतान को नहीं हो तो वो बटगी सेवा करतो, रोज जानतो इतो सामान लेके जानतो के कुमकुम रोली हल्दी चावल गुड़े चीना पानी दूध गाल गए ना दोगे, अर लेके जानतो घी को दीपक जलानतो धूप करतो, सारे पत्ता गए आपके जगता भी देवी देवता है बीते ही पत्ता गए वह तिलक करतो। तो जठे वह तिलक करतो नहीं हल्दी गा बंगा तो बंगा चावल लगा तो वह सारे देवी देवता गए तिलक लाग जान तो भी तिलक हो जान तो सारा गा काट गए टीका, एर बाद में वह गुड़ चिणा मेल गए, एर वो पानी गाल गए दर जिता वह बड़ पिंपला बा में गाल गए पानी, एर घी को दीपक जला गए, एर बटे फेरी लगा गए धोक मार गए, एर फिर वो घरे आंतो। तो यहाँ करता करता कई दिन बीत गया, कई साल ही बीत गया, एर वो जेठ को महीनों चुकई को उमास गो पुण्य गो व्रत करे, एर बैठे उदापन कर गया वह बांगो सारो की करे बेचारो। फिर एक दिन भी ने हेलो यो भी ने संतान नहीं सुनी जो वाज दिन दी कह भाई तू के मांग है, इतना देवी देवता पूज है बटगी सेवा करे, तू मांग है की है कह भाई मेरे कोई संतान को नहीं, एक संतान मेरे हो जाए तो मैं ही जगत में रलतो हो जाऊँ। तो कह राजा तू या करे तने एक कन्या दया कह, ए गुड़ चिणा ले जाई कह तू, एर ओ पानी ले जाई, एर ए तेरे कन्या उसी भी मैं नाम सावित्री टिका दी, सावित्री सतगी उसी ठीक है भाई। वो आपकी धोख मार गए सारो की कर गए, पुठो आयो घरे जो बचिणा तो आपकी रानी ने दे दिया पानी दे दियो, बन चिणा ले गए पानी पी लियो, पानी पी लियो तो वह गर्भवती होगी नौए बिने बिंगे कन्या होगी, वो बियाँ ही जावे अर बियाँ ही आपकी मांगी पूजा करी आवे। तो वो बटने भूले को नहीं, सारा देवी देवता ने याद करे, सारी आपकी सेवा कर गया वह। वह कन्या होगी जना बो राजी गले भई, एक तो कन्या तो तेरे हुई जगत में रतो हो, तो वो आपकी पूजा करे, करता करता आपकी वह कन्या है जी थोड़ सी होशियार होगी, जना बिने सगे ले के जान लग दियो काजा बेटा आप पूजा कर गया वहाँ कह बट पूजा करन चाला। बाप गयो बेटी देख वो करी छोटी जीते तो, एर फिर बाकी होशियार होगी जना कह पिताजी मेरो ही समान सगे गाल दियो कह। तो वह आपके बाप और बेटी नैर नैरा टीका कड़े, नैर नैरा तिलक करे, रोली मोली कुंकुम हल्दी चावल सारो की ले गई जय वाह गुड़ चिणा। तो वह कह हे ब्रह्मा हे विष्णु हे सरस्वती माता हे कृष्ण भगवान हे इंद्र भगवान हे शिव जी महाराज पार्वती, तू मने
ईशो बरदेई सत्यवानी मिल जे मने एरमिंगी लंबी उम्र वे। तो बा आप गी बा मन में दया वे अर बाबा आप गए बरोबरी दीपक करिया वे आप गो और पानी गालिया वैर फेरी लगाइया वैर आ जे। इं करता करता बा 11 साल की होगी, 11 साल की होगी जनाब। तो बाप के बरोबर बैठ के बात करन लग गई कचेड़ी में और पूरा जवाब करन लग गई। राजा के बरोबरी बात हो आपकी कहन लग गई। न राजा बोल रहे भाई मेरी बेटी अब जवान होगी, आगे 12-13 साल की ब्याह देता हुआ। तो कह बेटा मैं देख के आशी हूँ वो भर तेरा दाग को नहीं आसी, अर तू मेरे एक ही बेटी है, नौकर है बामन नाई गाल दूँ आशा गए अर तू उड़ जा, तेरा जो बर पसंद आवा वो तू बर देख यार बिंग सगई तेरा फेरा कर दे शुक का चंगा। बा उठ गई फिरती फिरती राजा रजवाड़ा घना ही देखा बिंग कोई पसंद ही को नहीं आयो। तो एक सत्यवान अर हो वो ही राजा को लड़को, तो भी राजा को घना ही मोटो राजा हो बिंग राजा को दूसरे राजा राज छीन लियो। तो बिंगो धन दौलत खोस लियो कूट मार के बने काट दिया। तो वांगी आंख्यांगी ज्योति जानती रही बेचारांगी एर बने घरों काट दिया। जना बे बन में जागे झोंपड़ी मांड ली, झोंपड़ी मांड ली। तो वो सत्यवान 11 साल को 10 साल को यो लकड़ी लियावे बापड़ो, लकड़ी लिया के बेचे, बेच के सामान लियावे फिर बे कोई खानो बनावे तीनों जना वो खानो खावे। तो यहाँ करता करता रे एक दिन फिर सावित्री न मिल गयो वो वन में ही। कह भाई तू कौन है? कह भाई मेरा नाम तो सत्यवान है। कह तो बेटो गरीब गो एक सतान गो। कह भाई बेटो तो मैं राजा को ही हो पर अब राजा को कोनी, अब तो लकड़िया रोई हूँ। के बात है? कह मेरे बाप को राज छीन लियो मोटा राजा अर माने कूट मार के काट दिया और मैं छोटो और मेरा माँ बाप झोंपड़ी मांडे बैठे जंगल में। मैं लकड़ी लियाँ बेच जाऊँ अर बिंगो मारो खानो लिया और बोई बना के खावा कह अब भिखारी जाऊँ कह मैं। अच्छा बिन देख गए अर बनिया देखो भी राजा रजवाड़े के जय गए तो वो तो राजा तो आपका मस्त में ही उसी अर वो है तो राजा कोई बेटो जे वह तो तू इन्हें बरमान ले गए। तो वह तो आपके बिने सोच गई बिन पूछ लियो नाम है अर बिंगो झोंपड़ी पूछ ली भी तेरे घर कटे है भाई बैठा मेरी झोंपड़ी है क्या। तो वह तो आगे पुठी आगे ना नर्द मुनि तो सामने आ गयो कह बेटा ओ के बर देखियो है ते इंगी उम्र कौन है? कह महाराज मैं तो देख लियो राजा को वचन एक हुआ है, बे माता का लेख एक हुआ है, धर्मराज को एक हुआ लेखो और 2-3 कौन हुए। मैं पतिव्रता नार बनूंगी, सत्यवान सावित्री हूँ और मैं और बर कौन देखूँ, मैं तो वही बर देखूँगा। फिर वो तो बूढ़ो ब्राह्मण बन गए रागे जागे बैठ गयो राजा कने। अरबा गई कहाँ बेटा कोई आयो दा? कहाँ पिताजी मेरा दा आ गयो सत्यवान है कह एक है वो राजा कोई बेटो पर अब भिखारी है कह किया। कभी ना बाप को राज छीन लियो कूट मार के काढ़िया बंग आँखेंगी जोत जानती रही बन में बैठे झोंपड़ी मांडे अर सत्यवान लकड़ी लियावे बेच के आवे बिंगो खानो लियावे वो बना के खावे मैं तो ब्याह भी सद ही करा सू। कराजा साहब आपकी लड़की ने समझाओ आप बोली है अर बिंगी 1 साल की उम्र हो रही है तो कह अपनी लड़की के खावेगी बटे बन में हरी ने थे समझाओ। कह जको मेरी बेटी के दियो नी मैं वो ही देख के आऊँगा कि पिताजी बिंगई सिर पर हाथ फेर गया और बिंगई सागे फेरा ले सू मैं तो कह चलो कोई नहीं कह भाई। तो कह बेटा तू इं करी बिंगी उम्र 12 साल की है, 11 साल हो गए 1 साल और रही है तू करेगी के? बोली के करूँगा मैं इतनी पूजा करूँ भगवान की भक्तनी बन रही हूँ तो भगवान मैंने साथ दिया ही गो कह तो मैं तो बरबोई ढूंढूंगा। कह अच्छा बेटा बाप देखे और जागेर कह भाई भी नमन गया जाई तन्ने मेरी लड़की ब्याह से हूँ वो कह भाई माँ बाप मेरा अंधा है हमारे कने की कोनी अरे मन्ने थे छोरी ब्याह से हुआ के खावेगी कह अटे बन में के करेगी राजा की लड़की है कह।
कि तू राजा कोई लड़को है? कहा हूँ तो मैं राजा कोई, बड़ा मेरे बाप के नाराज दानी खुशेड़ी है गए। कह चल कोई नहीं तू आ जाएगा। बीन बीन मड़ा गई लिए आला गिला बाँस कटा गए, सावतरी का फेरा कर दिया और फेरा कर गए। राजा दंदौलत दे दियो राछी बड़े कोठी गला दी, कोठी में बने बैठा दिया। तो वो नर्द जी कह पुठ आपको बेचदार लियो बने, ब्राह्मण को छोड़ दियो लेके पंडित तो वो किन्ने गए हो। नर्द मुनि आ कर वो कह बेटा तू यहाँ करी 12 महीना हो जेनी, 3 दिन रे जेनी 12 महीना और हो जाएगा तेरा जद के तू 3 दिन व्रत करी 12, 17, 14 और उमावस गो तू तेरा 16 श्रृंगार है रोली मोली सारो तु ले जे तू पूजा कर गया वे नहीं। कहा मैं पूजा करूँ? तो कह तू भी आई बट पूजा करी आई एर जागे एर बैठे भोजन ले जाई बना गए एर घी को दीपक जला दे एर पानी लिया ही सग एर घी चना ही पुठा उगेड़ा पाछा लिए ही सग एर तू कर गए उदापन सारो के सोनो काम कर गए बैठे। राजा ने कहो नारद जी कह तू इं करे तेरी बेटी को सुहाग रखो चावे तो तू बैठे जागे होम करा कर मोटो एर तेरू जिमाई जे पिता पंडित जिमा एर 1,00,000 है 100 आवती दे बैठे जागे एर फिर तेरी बेटी को बेटा सुहाग रे जे तो कह। अन तो जिद कर लियो अपा ब्याह तो दी पर तू इतो कर देई कह। तो राजा तो गयो राजा गरी के कमी बैठे आप गई होम करायो मोटो एर बड़ पिंपल गए नीचे एर अच्छी तरिया सारो की पूजा कर तो बीती पूजा करी रोली मोली गई दीपक जलायो ले भी मेरी बेटी को सुहाग राख दे तू कह। देवी देवता ने सारा ने याद करया एर वह बीती आवती राजा दे दी दी 1,00,100 आवती दे दी दी होम ग ऊपर एर वो होम करा गए जिमा गए जी कर गए मोटो और अच्छी तरिया राजा आप घरे आ गयो बेटी ने आप घरे गाल दी। तो साल बीतन लाग गयो साल बीतन लाग गयो बात तो दिन गिन बोकरी सावतरी सतगी 3 दिन रहा नहीं जद कह माँ मेरो व्रत है मैं व्रत करूँगी जेठ हुआ मिनो है उमाओ सव आगे मैं व्रत कर लूँ। कहाँ बेटा कर ले मैं तेन व्रत करती नहीं क्या पाला बेटा व्रत कर ले तू जना बाप की व्रत नहीं रहेगी 12 की रहेगी 13 की रहेगी 14 की रहेगी 3 दिन बन व्रत करो चौथो दिन है सारो आपको श्रृंगार लेगी श्रृंगार की चीज लेगी आपके पेरे बिछो बेस लेगी ब्राह्मण गोई लेगी ओछो आपको बस्तर लेगी एर बिता ही आपका दीपक जला दिया एर रोली मोली गा हल्दी गा कुंकुम गा सारा पत्तों का टीका काट दीन दिया एर तिलक करियो जद मांगे ऊपर चावल लगा दिया गुड़ चिना लेगी तो वाह आपकी अंतर अब जमी हो गिर बैठ गई आँख मीच गए एर कह भई अब मेरा देवी देवता आज मेरे थे आगा आइयो जो मेरे पति का प्राण बचाइयो आज मेरे पति की मृत्यु है कह तो मेरो सुहाग थे अमरी राखियो कह मैं थारी पूजा करियो जामी जय लागी करने तो अब मेरी थे लीजा राख देयो कह। तो बसारो के कर गए एर आगी घरे आगी जना कह ब्राह्मण बूमण जिमाना आजका जिमा दिया रसोई दे ब्राह्मणा ने फिर कह माँ थे रोटी जी मिलियो के बेटा 3 दिन की भूखी है तू बर्तनी है तू जी मिले कहना थन जिमा के जी मिशू सास ससुरान जिमा दिया आपके पति ने जिमा दियो फिर बना आपको बर्त खोल लियो बर्त खोल लियो न वो कह मैं तो जाऊँ लकड़ी काटन ने अरे तू 3 दिन को बर्त खोल लिया है तो तू अपने घरे बैठे आज तो मैं सागे चालूंगा कहना आज मेरे सागे ना जा तड़का उड़ जाए कि नहीं आज जाऊँगा सागे तो मेरे माँ बापा की आज्ञा बिना मैं तन लेके कौन जाऊँ कह माँ बापा की आज्ञा ले ले कह पिताजी मैं आपके सत्यवान सागे उड़ जाऊँ लकड़ी ले आने जावे मैं ही उड़ जाऊँ वन में 3 दिन को बर्त खोल उड़े मेरो तो मैं घूम आऊँगा तो मेरा खानो कि पच जाएगो कह एर ठेको तो मैं उड़ जाऊँ कह उड़ जा बेटा घूमिया तू ही उड़ जा सासू ने कह माता जी मैं उड़ जाऊँ सागे सत्यवान है कहाँ बेटा उड़ जा कह तू 3 दिन आज व्रत खोलियो है जो उड़ जा छो तू घूमिया उठ गई सागे सागे उठ गई तो वह तो नीचे बैठ गई बढ़ गए एर आपका देवी देवता सिंवर है भगवान ने सिंवर है कहे भगवान आज मेरे पति की मृत्यु है जे मेरे
इच्छा पूरी करे तो तेरो ओपालन है सदा नहीं करसी, सो मुल्क ही करसी, मन ने देखे सारा ही करसी। ता कथा अमर हो जेगी, और जे भगवान आज मेरो स्वाग छीन लियो तो आ कथा खत्म ही है। तो भगवान ने बातों याद करे, बैठी आँख में चेर बो कह सावतरी, मैं न चक्करा मैं नीचा जाऊँ के मेरे सिर दुख है। कहा महाराज नीचा जाऊँ, नीचा जो और वह गुड़ चिणा हाथ में ले लिया, बने एक हाथ में पानी ले लियो और बिने गोडा पर सुना लियो। इतने युवराज तो आ गयो, बन तो आना ही हो, जोटे के ऊपर चढ़ेड़ो हाथ में गदा, एक हंसी कैसा उतरी, तू हंसी को कर तेरा पति का प्राण लेन आयो मैं, रो और तो रो है तू हंसी है का, कोई बात नहीं महाराज, राजा को वचन एक ही वह, धर्मराज को लिखो एक ही लिए, एर हेमराज को तो फर्ज हुए कह गुरुआ हूँ चेला नीचा हुए तो गुरु हुक्म दे बटे चेले ने आनो पड़े, कोई बात नहीं महाराज थे थारी निमाओ, जक थाने भेजे है वो थार पर चलाओ थे। तो कह बन तो आप गिंगा प्राण खेचन लागे जना कह देख एक कर हेमराज तू यहाँ करे भोजन खा ले ठंडो पानी पी ले, भोजन ले आई हूँ मैं सागे, कहना मैं तो वही काम करना आयो भोजन भजन मैं कहीं कौन लो, कहना महाराज थोड़ो बहुत तो लेना पड़ सीख है, पानी पी लियो ठंडो अर भोजन ले लियो, भी हाथ में बचिनार गुड़ दे दियो पानी दे दियो, बने एक गुटको पानी को ले लियो और बाकी को आपको कन्ने ले लियो पानी ले गए, बिंगा गूंठा प्राण खींच लिया एरबो तो वह लोथ बन गए पड़ गयो, एरबो ले गए झोटे पर चालियो चढ़ गए चढ़ा गए, जद भी ठा पड़ गयो भी प्राण तो ले चालियो, बना आप गोले शिशिर नीचो टेक दियो धरती पर है भी झोटे के लार लारी होगी, लार लारी होगी जना आपके चालता चालता खासा ही चाल गयो, खासा ही चाल गयो, जना कह भाई तुम सावित्री पुठी उठ जा, तू उठे केले है तू तो सतगी है तो सीता है तू सती हुई सा है तो तू तेरे पति के साथ सती हो जाई जागे, लाश पड़ी है बटे, कह मैं लाश को के करूँ, प्राण तो पति का तू ले गए चाल पड़ियो, तो पति तो मेरे तेरे सग है, मैं भी लाश को के करूँगा तो मट्टी है, कह कोई बात नहीं कांटा गढ़ सी तो ही मंदोरा कौन लागे, यार लकड़ लाग सी तो ही मंदोरा कौन लाग, मैं मेरे पति के लारे ही जाऊँगी, लारे ही आई लारे ही जाऊँगी। चालियो चालियो खासा दूर चालियो के सावतरी पुठी हट जा बे, एर तू अब मृतलोक में ना जा कह स्वर्गलोक में जा ना जा, मृतलोक की लुगाई है तू जीवती कौन जा सके, अरे भौरो तो ले जाऊँ तो चाले, कह मेरो भौरो ना ले जा, बोले जठे ही भौरे छोड़े को नहीं बठे ही मैं रूँगा, कह भी मैं सग ही जाऊँगा मैं रूँ को नहीं, कह कुकरी जावे ही कह पहला बचन दे, कह जा तन तीन बचन दिया जा, मांगे जी मांग ले तेरे सिर पर हाथ धर दियो मैं, अर तू मांग कह। तो कह पहला तो मेरे सासू ससुरा ज्योति दे, मेरे सासू ससुरा आँख फूट गई आँख को नहीं मांगे, कह ले जा मन शक्ति छोड़ दी, कह ले तेरे सासू ससुरा आँख खुल गई, कह अपाछी उड़ जा, कह कोई बात नहीं चलो महाराज, कह तो मैं कहाँ चढ़ गयो तो कह झोटे को पूंछ पकड़ के लारे लटकती जाऊँगा जाऊँगा मेरे पति के साथ गए, तो कह मानने तो को नहीं आता, खासा दूर चल गयो कह बोली दूर आ गई सावतरी पुठी हट जा, तेन दे दियो बचन मांगे उसको, कहना महाराज तीन बचन दिया आप है, कह तीन दिया तोड़ के मांगेगी कह मेरे ससुरे की राजधानी सगी राजा पगा पड़ गई राजधानी देवे भाई नौकर चाकर मेरे ससुरे का आगे लागे, एर वो ही राजा बने मेरे ससुरों जद देवेगा, तो कह ले जा शक्ति छोड़ दी तेरे ससुरे राज मिल गयो और ज्योति मिल गई सास ससुरा ने अर थाने राजधानी सगनी मिल गई, कह अब तो उड़ जा पुठी कोई बात नहीं महाराज मेरे पति का प्राण जा बैठी जाऊँगा, चाल बोकरी सावतरी तेरा कांटा पग छुल गया तू सारी पाट गई तू पाछी उड़ जा, अर तू स्वर्गलोक में ज्यों तो खोल गयो कौन जा सके भौरो ही जा सके, कह ना महाराज कोई डर कौन मैं सग ही चालूंगा, तो और के रे गयो तेरे और के मांग है, कि तीन वचन दिया महाराज आप तीन तो पूरा करो, कहा मांग क सत्यवान का सौ पुत्र मांगू, क जा तन सौ पुत्र ही दिया, कह महाराज राजा कोई वचन एक हुए बे माता का लेख एक कर लिखी जे दूसर कौन लिखी जे, धर्मराज कोई लेखो एक कर ही ले वे, तो गुरु मोटो वह चेलो क मोटो तो गुरु है, तो कह गुरु मोटो वह जना थे मैंने यहाँ बताओ कह मेरे मैं जाऊँ तो मैं मेरो बठकुण है मेरो आदमी मैं गुरु करके मान्यो,
वो तो थे लिए चाल पड़िया ने मेरो गुरु कुण है, गुरु बिना चेला किए करे, गुरु बिना ज्ञान कुण दे, मेरे पति का प्राण छोड़ फिर मैं जाऊँ। अच्छा अब तू मैंने पुत्र दे दिया तो मेरे तो भक्ति में भंग पड़ गयो, के किया कह मैं सत्यवान सावित्री हूँ पार के मर्द को मुँह कौन देखूँ, अरे मैं पुत्र हो सीखेंगा, मेरो पति आप गो वह तो मेरे पति का पुत्र वह, या मैं पुत्र कौन जलमू, मैं सत्यवान सावित्री हूँ कह मैं भगवान की भगतनी हूँ कह भगवान को भगतूँ मैं। तो कह सावित्री तेरा वचन सुन गए अरे मैं प्रसन्न हो गयो, ते मैंने ठंडो पानी पा दियो, मेरो दिमाग ही ठंड हो गयो, ले अब तेरो पति मैं पुठो दियूँ का तीसरो वचन तय मांग लियो मेरे को, ए चीना ले जा तेरा ओ पानी ले जा, एर तू जागे भी खोड़ने संभाल सिम वगैरह खा जाएगा, एर ए चीना भी मुँह में दे के पानी को छंटो दे दे, हर हर कर तो बैठे हो जी, तो तेरो अब अमरी सुहागरे सी, अब तेरो पति को नहीं मरेगो। तो वह बठू चाल पड़ी, चाल पड़ी तो आगी बैठे आगी ने वो तो सुते हुआ भी यही बन तो आपकी दे के पानी को छंटो और चिणा दे के मुँह में पानी घुट को गिरे और वो तो आँख खोल गए बैठे हो गयो, कह मन्ने तो नींद आ गई सावित्री तू अठे बड़ नीचे ही बैठी है कि जिंदगी आप कदा आया कह, कह महाराज गरी जाके बात कर सह कह नींद तो आई जीव आई था ने मन कोई बात नहीं कह गरी चल आप चलो भाई आ गया घरे आवे तो आप गए माँ बाप ने दिस है को हो शी बहु है मेरी सोनी देख कद गया बेटा थे कित बहुत मोड़ आया हो, कह माता पिता था ने फिर बात बता शू घरे बैठ गए और एकर में घरे आ गया कह थे मारा दर्शन कर लिया मैं थारा कर लिया मेरे सासू सरा के ज्योति आ गई कह तो मने ही मेरी काया में आनंद हो गयो कह तो रे ऐसी बहू तो सारंग ही आवे कि देख मेरी किसी का अच्छी बहू आई है जो देख के चमत्कार हुए है जो तैं व्रत कराया बेटा जो को अपनी राजधानी पुठी मिल गई कह मैं थनी डीका मेरे बेटो बहू आ जाए तो राजगद्दी पर जावा कह अरे बेटा हमारी आंखें की ज्योति आ गई कह बैठो था ना बताऊँ मैं हेमराज आयो थारे बेटे का प्राण ले गयो अर इतनी उम्र ही 12 साल की उम्र ही थारे बेटे की जद माँ मैं दिन दिन व्रत रख्या एर बट पिपल सिचा में मारा एर बिंगी बट सावित्री बोलूँ मैं एर मेरे बाप दी पुत्रो बट की पूजा करी तो मेरे बाप ने परचो हो बठूँ कल तेरे कन्या होगी एक सावित्री नाम कढ़ा ली तो इं ही माँ मैं पूजा करी ब्रह्मा विष्णु सारा देवी देवता बठे राम लक्ष्मण शिव जी पार्वती सब देवता बैठे रहे सरस्वती माता सारा बैठे रहे तो बांगी मैं पूजा करती माँ बांगी बांगी शिवरन करी मैं जद कह थर बेटा का प्राण मैं मृतलोक मुँह चाली स्वर्गलोक मुँह लियाई हूँ पुठा कह अब थर बेटो अमरी रेसी अब कौन जा कह तो सावित्री की कथा अमर रेसी बड़ पिंपल की पूजा अमर रेसी तो भई तो बटी तो अमर हो गया एर बिंगो सुहाग ही अमर हो गयो तो बेनो करो वर्त तो 3 दिन पहला रखो माओसु पुण्य को रखो तो 3 दिन पहला रखो माओसु को रखो तो 3 दिन पहला रखो कन्या जल में तो सावित्री वर्गी जल में सारा ने धर्म हुए तो ईश्व ही हुए सत्यवान सावित्री सत्यवान सगे ब्याह करायो सत्यवान का प्राण बचाया आ कथा भाई थाने सुननी चाहिए और करना ही चाहिए थारा जे पसंद आवे तो जेठ वो मीनो है तेरे को माओस है तो माओस को दापन कर दियो व्रत रख लियो ना व्रत रह तो थे थारा रोली मोली सारों के ले जागे गुड़े चीना चावल हल्दी पेड़ गए माँ तो तिलक कर दियो बिंगो पानी गाल दियो कभी कुंकुम रोली गो एर हल्दी को कर दियो ब्रह्मा जी गए विष्णु गए हल्दी को तिलक लागे ऊपर चावला ने दाना लगा दियो एर घी को दीपक जला दियो एर सारे बिंगा सारा पेड़ा में दरखता पर और पक्षियां ने पानी गाल गए फेरी लगा गए धोक मार गए घरे अजियो सबकी इच्छा पूरी कर सी बट पिंपल सर राम ही राम ए भाई थाने पसंद लागे तो बेटा कहानी सुनियो एर मेरी कहानी लाइक करियो लालड़ो बटन दबा गए एर मेरी कहानी सुन लियो।